नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हमारा जो अगला सेक्शन होगा, आज उसका प्रैक्टिकल डायग्राम के साथ सारा एकदम डिटेल में आपको हम आज बताएंगे, ठीक है। और इससे पहले जितने भी हमने सेक्शन डाले हैं, जैसे रैम सेक्शन हो गया, VRM हो गया, रैम हो गया, क्लॉक हो गया, नॉर्थ ब्रिज हो गया, साउथ ब्रिज हो गया, उसके बाद USB हो गया, फैन सेक्शन हो गया, ठीक है। तो जितने भी हमने सेक्शन इससे पहले डाले हैं, सारे हमारे चैनल पे बहुत सारे जितने सेक्शन का एकदम डिटेल में वीडियो उपलब्ध है, तो अगर आपको देखना है तो जाकर एकदम देख सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम बात करने वाले हैं, आरटीसी सेक्शन जहाँ पे सीमोस बैटरी लगता है, उसका भी एक छोटा सा सेक्शन होता है, यानी डायग्राम होता है उसका भी। तो उसको कैसे ट्रेस करेंगे, ठीक है, और उसको कैसे, उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, ठीक है, ये हम आपको बताने वाले हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है आरटीसी सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका आरटीसी सेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आता है डेट एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद पावर ऑन प्रॉब्लम आता है, उसके बाद हैंगिंग एंड रीस्टार्ट प्रॉब्लम आता है, उसके बाद स्लो वर्किंग प्रॉब्लम आता है, उसके बाद नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आता है। इस तरह का इतना सारा इससे प्रॉब्लम आपको एक एक करके सारा आता है, ठीक है। तो इसको सेक्शन को डिटेल में चेक करेंगे। या मान लीजिए कि आपका जब सिस्टम ऑन होता है, उस समय जब डेट एंड टाइम सेट कर देते हैं, तो जितना देर ऑन रहता है उतना देर प्रॉपर चलता है, ऑफ होने के बाद फिर से आपको जब ऑन करते हैं तो आपका डेट एंड टाइम सेट करना पड़ता है। इस तरह से अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो हम आज आरटीसी सेक्शन में डिटेल में जब इसको डायग्राम समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो सारा हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखिए, ठीक है, और आइए हम तो चलते हैं पहले डायग्राम पे, ठीक है। तो ये आज इस बोर्ड पे हम आपको बताने वाले हैं, तो इस बोर्ड का हमने डायग्राम भी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है, और एक डायग्राम जो हम अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं, ठीक है। तो वो जो हम अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं ये डायग्राम है, ठीक है। तो इस पर हमें कैसे देखना होता है कि सप्लाई कैसे जाती है, कैसे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया सीमोस बैटरी, यहाँ पर लिखा है बैट सीमोस। एक साइड इसका जो होता है, एक साइड वाला जो होता है प्लस होता है, जो नीचे इसका पिन होता है वो ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड का सिंबल है, ठीक है। सीमोस बैटरी से सप्लाई आगे चलता है और यहाँ ठीक इसके आगे एक लगा होता है 1 किलो ओम का रेजिस्टर, 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगा होता है। उसके बाद में जो लगा होता है डबल डायोड, ये डबल डायोड होता है, ठीक है। तो जब आपका सिस्टम बंद रहता है तो इधर का सप्लाई आता है, जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो सप्लाई इधर से आता है, ठीक है, डबल डायोड पे। और ये डायोड इधर से, अगर सप्लाई सिस्टम ऑन है तो इधर का सप्लाई इधर से आउट होता है और यहाँ रुक जाता है, मतलब इधर सप्लाई नहीं जाता है, और यहाँ से सप्लाई आता है और यहाँ से आउट होकर अगर PCH बोर्ड है तो PCH में चला जाता है, ठीक है। वैसे ही जब आप सिस्टम बंद कर देते हैं तो इधर से सीमोस बैटरी वाला जो चाहिए 3.3 वोल्ट चार्ज होता है, तो यहाँ से आता है और यहाँ पर बीच में लगा है 1 किलो ओम का रजिस्टर, तो ये 3.3 वोल्ट से थोड़ा सा कम सप्लाई यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। ये सप्लाई आता है यहाँ से आउट करता है, फिर यहाँ पे देखिए डायोड लगा है तो रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये सप्लाई आउट नहीं करता है, तो ये फिर सप्लाई यहाँ से आगे आउट होगा, फिर एक रजिस्टर लगा होता है, ठीक है, और यहाँ से सप्लाई फिर आपका ये या तो PCH पे या फिर साउथ ब्रिज IC पे ये चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रॉपर एक डायग्राम होता है। और इससे प्रॉब्लम क्या आएगा, जो हमने अभी आपको बताया कि डेट एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम, पावर ऑन प्रॉब्लम, हैंगिंग रीस्टार्ट प्रॉब्लम, स्लो वर्किंग प्रॉब्लम और नो डिस्प्ले प्रॉब्लम, जो जो आरटीसी सेक्शन होता है, ठीक है। और एक चीज़ और होता है इसमें, ठीक है, कि यहाँ अब देखिए, ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया है थोड़ा सा इजी करके, ताकि आपको प्रॉपर, सभी लोग जो भी हमारे व्यूअर हैं उनको प्रॉपर सारा चीज़ समझ में आए, ठीक है। इसके बाद हम एक डायग्राम दिखाते हैं जो सेमेस्टिक डायग्राम में होता है, ठीक है। तो सेमेस्टिक डायग्राम में जैसे यहाँ पर ये बोर्ड है, तो इसका हमने सिमेस्टिक डायग्राम डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका नंबर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है इसका ECS का है,
ECS 945 CT, ठीक है, स्लैश MB 1.0। तो इस नंबर से हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है इसका पूरा डिटेल में, तो उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका हमने डायग्राम डाउनलोड कर कर रखा हुआ है, ठीक है। और भी एक ये देखिए सेमेस्टिक डायग्राम का, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से सेमेस्टिक डायग्राम में किस तरह से होता है, इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा इजी में उसको बना रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे हमें समझना है ये हमें देखना है, ठीक है। ये हो गया आपका सीमोस बैटरी, यहाँ पे ये हो गया आपका सीमोस बैटरी, एक साइड इसका ग्राउंड है और एक साइड सप्लाई वाला पॉजिटिव पिन है, ठीक है। यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ा और फिर यहाँ पर देखेंगे कि 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है ना, और 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ARI हो गया आपका डबल मॉस्फेट D1 लिखा है ना, D1 जो है ये डायोड सिंबल दिखा रहा है कि यहाँ पे डायोड है, और ये जो है डबल डायोड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो जब आपका सिस्टम बंद होता है तो यही सप्लाई यहाँ से आगे आकर और यहाँ तक प्रॉपर जाता है, फिर यहाँ से ये निकल के ये आपको आगे RTC रीसेट सिग्नल जो होता है ये आपको अभी हम आपको ट्रेस करके दिखाएंगे कि कहाँ तक जा रहा है, किस IC पे जा रहा है, ठीक है। वही अगर नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज वाला बोर्ड है तो साउथ ब्रिज पे जाएगा, और PCH वाला बोर्ड है तो PCH पे जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 वोल्ट डुअल, ठीक है, ये 3 वोल्ट डुअल, तो यहाँ पे भी 3 वोल्ट आता है, ठीक है। तो ये तो डायग्राम में बताया कि कैसे यहाँ पे 3 वोल्ट डुअल आता है। अब 3 वोल्ट यहाँ पे डुअल पहुँचने के लिए या तो आपको बीच में मोस्फेट के थ्रू आ सकता है, ट्रांजिस्टर के थ्रू आ सकता है, या IC के थ्रू यहाँ पर 3 वोल्ट डुअल जो है, अब डिपेंड करता है कि उस सर्किट में 3.3 वोल्ट जो डुअल है यानी ऑन बोर्ड में जो सप्लाई आती है इसके इस पिन पे वो किस तरह से आता है, ठीक है। तो हम अभी अपने इस बोर्ड में हम इसको ट्रेसिंग करके भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो RTC का जो सिग्नल निकलता है आगे सप्लाई जो निकलता है वो कई जगह होकर हुए, तो आप इसको डिटेल में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो ये यही होता है आपका टोटल जो है RTC सेक्शन, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब हम डायग्राम आपको ओपन करते हैं इस बोर्ड का, ठीक है। इस बोर्ड का हम डायग्राम ओपन करते हैं, तो थोड़ा सा चलते हैं फिर आपको प्रैक्टिकली सारा चीज़ पहले तो एक बार हम आपको दिखा दें फिर आपको सारा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ECS, ठीक है, ECS 945 वही है, उसी का हमने डाउनलोड करके रखा हुआ, तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये आ गया ओपन। अब कैसे सर्च करेंगे RTC सेक्शन, तो आपको करना है कंट्रोल और F, कंट्रोल F करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप करना है RT और यहाँ पे है C, RTC, यहाँ पे देखिए RTC टाइप हो चुका है, उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो RTC, अब जिस पेज पे RTC लिखा होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देगा कितने पेज पे RTC का जो सिग्नल है वो जा रहा है। तो हमें तो RTC सेक्शन देना है, तो हमें सिर्फ एंटर करते जाना है, एंटर करते जाएंगे वो जहाँ पे होगा आपके ठीक सामने आ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे आपके सामने जो है RTC सेक्शन आ चुका है। अब हम आपको इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ये हो गया आपका RTC सेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने जूम कर लेना है और ठीक, अब ये हो गया आपका RTC सेक्शन, ठीक है। तो इसमें कैसे हमें बस समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि ये हो गया आपका बैटरी, ठीक है, ये हो गया आपका बैटरी, तो एक साइड में हो गया माइनस और एक साइड में प्लस, तो बैटरी यहाँ पे लिखा है ना BT, यानी यहाँ पे बैटरी लगा हुआ सिंबल में इस तरह से बना रखा है इस मदरबोर्ड में। अब यहाँ से ये निकला आगे फिर देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक रजिस्टर लगा हुआ है जो 1 किलो ओम का, यहाँ पर देखिए 1 किलो लिखा है ना, और फिर यहाँ से आपको आगे जा रहा है और फिर यहाँ पर देखिए डबल डायोड लगा हुआ है वही, ठीक है। तो ये डबल डायोड है, अब यहाँ पे सप्लाई आता है, ये बैटरी से यहाँ पे सप्लाई आया, यहाँ से आउट हुआ और यहाँ से सीधे आगे जाते हुए यहाँ पे एक क्लियर सीमोस क्लियर जम्पर एक लगा हुआ है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। फिर इसके दूसरे पिन पे यानी इस डायोड पे देखिए 2 नंबर पिन पे एक 3 वोल्ट SBY आ रहा है, ठीक है,
ठीक है। तो ये 3 वोल्ट SBI कहाँ से आ रहा है हम अभी आपको ट्रेस करके बताएंगे, फिर प्रैक्टिकली भी करके सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो अब जैसे आपका बोर्ड ऑन होता है तो सप्लाई इधर से बनता है, और जब बोर्ड ऑफ हो जाता है यानी आप सिस्टम को जब बंद कर देते हैं तो ये RTC का सेक्शन आगे बढ़ता है। तो वही अगर आपका सिस्टम, मान लीजिए जब तक आप सिस्टम ऑन करते हैं और डेट एंड टाइम सेट करके जब तक चलाते हैं तब तक सही चलता है, ठीक है। अगर बंद कर दिए तो फिर आपका जब ऑन करते हैं तो डेट एंड टाइम सेट करना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम आपका ये जो रजिस्टर लगा हुआ है 1 किलो ओम का, क्योंकि जब आप बंद कर दे रहे हैं तो इधर से सप्लाई प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो ये बीच का जो रजिस्टर होता है ये ज़्यादातर ख़राब होता है, ठीक है। तो इस रजिस्टर को आप प्रॉपर चेक करेंगे, उसके बाद इस डायोड को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो आता है सीमोस क्लियर जम्पर जो होता है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक बार क्लियर करके देखना होगा, ठीक है, तो जाके ये प्रॉपर ठीक होगा। उसके बाद मान लीजिए कि आप जब ऑन करते हैं यानी जिस सिस्टम ऑन करिए डे टाइम टेम सेट कर रहे हैं हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये जो सप्लाई आता है इसका भी इशू हो सकता है। तो ये सप्लाई आपको ट्रेस करना पड़ता है बोर्ड में कि ट्रेस यहाँ पे जो ये तो हो गया, ठीक है, बैटरी वाला आ रहा है इस पर, इसके दूसरे जो पिन होता है ये 3 पिन का डायोड होता है, और फिर इसके दूसरे जो पिन पे यहाँ पे सप्लाई कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ हमें ढूंढना पड़ता है, ठीक है, रिपेयरिंग में। फिर यहाँ से ये जो आउट होता है ये देखिए, और ये आगे जाके जंपर पे जाता है, फिर जंपर से जो आगे बढ़ता है ये आपको RTC कई तरह जो सिग्नल होता है ये कई जगह जाता है। जैसे फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये जंपर से यहाँ से निकला और फिर ऐसे होते हुए एक रजिस्टर लगा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे 20 किलो ओम का, ठीक है, 20 किलो ओम का हो सकता है, 1 मेगा ओम का हो सकता है यहाँ पे फ्रंट पे, ठीक है। उसके बाद ये जो सप्लाई है देखेंगे यहाँ पे RTC रीसेट सिग्नल जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी जा रहा है 17 नंबर पिन के आसपास शायद ये कुछ जा रहा है। तो हम अब इसको ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसको ट्रेस करने के लिए कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे, इसको पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे दावे सॉरी इसको पकड़ेंगे ये पूरा, ओहो ठीक है, अब इसको छूट जा रहा है, चलिए डायरेक्ट हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, कॉपी नहीं हो रहा कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सिग्नल है RTC RSTL, ठीक है, ये हम आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये है आपका जो कौन सा IC है, पहले आपको IC बता दें। यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है U20D, उसके नीचे लिखा है ICH बोले तो साउथ ब्रिज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, ठीक है। तो ये इस पे आ रहा है, इस पे कहाँ पे आ रहा है ये हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो है आपको R यहाँ पे देखेंगे, जैसे देखिए वही जो सिग्नल है आपको यहाँ पे RTC, ठीक है, RTC RST/L जो आपका सिग्नल है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, साउथ ब्रिज पे आ जा रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज रहेगा तो ये सप्लाई जो है साउथ ब्रिज पे जाएगा, अगर आपको PCH बोर्ड है तो ये सप्लाई आपको PCH पे जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकली सारा चीज़ करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो पिन है रीसेट वाली, ठीक है, वो आगे नहीं मिलती है, उससे यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन होता है, ठीक है, साउथ ब्रिज में, तो ये पिनें आपको मिलती नहीं है। तो बस हम उसके पीछे का जो सेक्शन है उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बोर्ड है, ठीक है, तो इस पे हमें कैसे ट्रेसिंग करना है। तो ट्रेसिंग करने के लिए मल्टीमीटर की आपको पास आवश्यकता होनी होगी, ठीक है, तो मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट कर लेंगे, और ऐसे देखिए 0012 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको सबसे पहले तो सीमोस बैटरी निकालते हैं, ठीक है, ये सीमोस बैटरी निकल गया, ठीक है। ये वाला जो पर्सन होता है यानी ये जो पॉइंट होता है ये माइनस का होता है, ठीक है, तो ये माइनस वाला पॉइंट होता है, तो माइनस वाले पे आपको फ्रॉग नहीं रखना है, आपको रखना है प्लस वाले पे, यानी जो साइड वाला होता है ये प्लस वाला होता है, ठीक है। और इसके पास में एक देखिए रजिस्टर लगा हुआ है, मैं अभी आपको चेक करा रहा हूँ, इसके पास में एक
रजिस्टर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, सप्लाई यहाँ पे आ रहा है ठीक है, और ठीक इस रजिस्टर के अगले पॉइंट से, देखिए यहाँ पे आ रहा है और इस रजिस्टर के अगले पॉइंट से ठीक है, हमने अब अगले पॉइंट पे रखा है और यहीं पे पास में देखेंगे कि वो डायोड लगा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे वो डायोड लगा हुआ है, डबल डायोड ठीक है। तो इसको कैसे ये कंटिन्यू कैसे कंटिन्यू ट्रेस करेंगे आप, तो एक पिन अब क्या करेंगे कि इस रजिस्टर के आगे वाले पॉइंट पे रखेंगे ठीक है, एक पिन कहाँ पे इस रजिस्टर के आगे वाले पॉइंट पे, और दूसरा पिन जो होगा आपके डायोड पे होगा। देखिए देखिए अब फिर से हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, कोई नहीं, जैसे देखिए देखिए आपका ये रजिस्टर है, यहाँ पे हमारा फ्रॉग भी अलग अलग है ठीक है। और तो ये सप्लाई आपको देखिए, तो यहाँ से रखकर इसके पास में जिस रजिस्टर पे बीप कर रहा है ठीक है, उस रजिस्टर के अगले पॉइंट से फिर आपको क्या ढूंढना है, ये डायोड, तो ये तो आपको सप्लाई मिल गया ठीक है। यानी जो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, तो ये जो सप्लाई है यहाँ से रजिस्टर पे आया, रजिस्टर के अगले पॉइंट से इस डायोड पे आ गया, तो ये तो सप्लाई हमें मिल गया प्रॉपर। अब ये वाला जो सप्लाई है इसका दूसरा जो पिन है ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये कैसे जुड़ा हुआ है, 3.3 वोल्ट जो आ रहा है यहाँ पे, ये कैसे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे देखेंगे ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो पिन है इसका ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करो ठीक है, ये जो डायोड है तो इसके इस पिन पे ठीक है, इस पिन पे जो है 3.3 वोल्ट इससे आ रहा है, जो सीमोस बैटरी वाला सप्लाई इसके इस पिन पे आ रहा है, इसके दूसरे साइड में जो पिन है ठीक है, इसके जो दूसरे साइड में पिन है ये वाला ठीक है, यहाँ से देखिए कि यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ये पिन है इसका डायोड का, और ठीक इसके आगे एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो हम इसको कैसे चेक करते हैं, यहीं पर रखिए देखिए, एक फ्रॉग हम इसके इस पिन पे रख दिए ठीक है, इस पिन पे यहाँ पे हमने रखा, और दूसरा इस रजिस्टर पे चेक करेंगे, देखिए ये बीप कर रहा ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीमीटर यहाँ पर रखते हैं, एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे हम रखते हैं और फिर इस रजिस्टर पे हमने गया देखिए ठीक है, तो यहाँ पे आ गए रजिस्टर पे, फिर रजिस्टर का अगला पॉइंट से, रजिस्टर के अगला पॉइंट से आपके क्या करना है कि नियर बाई जो मॉस्फेट लगा है, मॉस्फेट लगा है, ट्रांजिस्टर लगा है या ड्राइवर आईसी लगा है, सब पे आपको चेक कर लेना है। पावर आईसी अगर लगा है तो उस पर भी चेक कर लेना है नियर बाई, क्योंकि हो सकता है पावर आईसी से भी आ सकता है, ड्राइवर आईसी से आ सकता है, तो ये सप्लाई इसके नियर बाई कॉम्पोनेंट से जो है आ सकता है ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉपर आपको चेक करना है ठीक है, एक एक करके सारा चेक करेंगे। और देखिए यहाँ से ये बीप कर रहा है ठीक है, और ये जो ड्राइवर आईसी लगा हुआ है यहाँ से ये रजिस्टर बीप कर रहा है ठीक है, पास करके दिखाओ, देखिए एक यहाँ पे हमने रखा है, दूसरा यहाँ पे दिखाओ, देखिए ये रजिस्टर पे जो है यहाँ पे बीप कर रहा है ठीक है, और रजिस्टर का जो दूसरा पॉइंट है वहाँ से आप इस डायोड पे बीप कर रहा है। तो जो 3.3 वोल्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट आ रहा है ठीक है, ये जो 3.3 वोल्ट आ रहा है वो आपको यहाँ पे जो ड्राइवर आईसी लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ये जो ड्राइवर आईसी लगा हुआ है यहाँ से जो आपको 3.3 वोल्ट, यानी जैसे ही सिस्टम ऑन होगा तो यहाँ से 3.3 वोल्ट इसको मिलेगा सिस्टम ऑन कंडीशन में, जब ऑफ हो जाएगा तो यहाँ से 3.3 वोल्ट ये आगे डबल डायोड पे जाएगा ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। प्रॉब्लम इसमें सारा चीज़ हमने आपको बता रखा है ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।